तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक बल्क में हायरिंग चल रही है इंटरनेशनल प्रोसेस में, जो जो कि नोएडा सेक्टर 63 में है। उस कंपनी का नाम पैसिफिक कंपनी है, जो कि एक इंटरनेशनल प्रोसेस है। ठीक है, फ्रेशर्स को हायर कर रही है अभी। जितने भी फ्रेशर्स हैं, जैसे कि जो 12th पास हैं अभी, जिन्होंने भी अभी 12th पास ही करी है और उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज है, यानी कि अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ना हो के, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब भी ना हो के, एक लेवल की है, यानी कि वो नॉर्मल बात कर सकते हैं इंग्लिश में, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि वो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एचआर आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन पुटअप करेगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही पूछे जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो अंत तक देखिए और बने रहिए और स्किप सपोर्टिंग, ठीक है? तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो कंपनी है वो नोएडा के सेक्टर 63 पे, आप गूगल कर सकते हैं। और एचआर का नंबर, यानी कि एचआर जो है, जो वहाँ पे हायर कर रहे हैं, उनका नंबर है मेरे पास। आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको पर्सनली उनका नंबर शेयर करूँगा। और गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मेंशन नहीं कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैसेज करने के बाद मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगा। और मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो सैलरी होगी, सैलरी आपकी दो तीन कैटेगरी में है गाइस, फ्रेशर्स की। जितनी ज़्यादा अच्छी होगी इंग्लिश, उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन जो कम से कम होगी सैलरी, वो 18,000 रुपये CTC होएगी और 16,000 रुपये इन हैंड आएगी आपको। उसमें PF भी कटेगा आपका, ESI भी कटेगा, ठीक है? और बहुतों का 20,000 रुपये भी CTC है, 18,000 इन हैंड है, 20,000 CTC है, 16,000 इन हैंड है, 21,000 CTC है, 18,000 इन हैंड है। तो वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे कि आपका जो इंटरव्यू है वो कितना अच्छा, मतलब कितने अच्छे तरीके से आप क्लियर कर रहे हैं आप अपना इंटरव्यू, ठीक है? तो जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, उन्हें बिल्कुल प्रिपेयर करिए, चाहे एक दिन एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए आप, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करना है वो इंटरव्यू, अच्छे से प्रिपेयर करना है वो क्वेश्चन। आप देखिए उसमें फ्लुएंट हैं क्या नहीं है। जब तक आप फ्लुएंट नहीं होंगे, आप इंटरव्यू मत दीजिएगा, मेरा सजेशन यही रहेगा। और काम बहुत अच्छा है, कोई बर्डन नहीं, कोई टारगेट नहीं, हर एक चीज़ बढ़िया। और बताऊंगा, अगर इस कंपनी में, पैसिफिक कंपनी में अगर आप 1 साल काम कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपकी जो सैलरी है ना, वो आप कहीं अगर स्विच करते हैं तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है? बहुत ही अच्छी सैलरी हो जाती है। तो यही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप, चाहे वो आपकी सैलरी कितनी भी करें, एचआर आपको सैलरी कितनी भी बताएं, आप कह देना कि ठीक है, आई एम कंफर्टेबल विद इट, ओके? उसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप 1 साल काम करिए, 1 साल के बाद आपकी देखिए सैलरी ऐसी बढ़ेगी। बस काम पर फोकस करिएगा, ये नहीं कि प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, प्रोडक्ट की नॉलेज जरूर लीजिएगा। ट्रेनिंग में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया और अंदर मजे ले रहे हैं, ट्रेनिंग में फुल मजे ले रहे हैं जैसे डोमेस्टिक में लेते हैं, उससे नहीं। अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर आप उसका असेसमेंट क्लियर नहीं कर रहे, तो वहां से भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? आपको निकाल दिया जाएगा कंपनी से। तो वहाँ पे अंदर भी हमें चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, दो तीन असेसमेंट होती हैं, OJT होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये मत सोचिएगा, ये माइंड में मत रखिएगा कि मैंने फर्स्ट राउंड यानी कि इंटरव्यू क्रैक कर दिया है, तो अब मुझे कोई नहीं निकाल सकता। निकाल देते हैं पैसिफिक में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में, आप उसे अच्छे से पढ़िएगा, उसके बकायदा नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा और उसे पढ़िएगा भी, ठीक है? जब असेसमेंट होता है तो उसे क्लियर करिए। उसमें गाइज 80% लाने होते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन हैं, तो कम से कम 80 नंबर का तो 60 नंबर लाना होता है, 80% लाना होता है, ठीक है? अगर आपके 60 नंबर से कम आएंगे ना, तो उसे वो आपको एक चांस और देंगे, एक चांस और देंगे। अगर तो आप उसमें भी क्लियर नहीं कर पाए, तो वो फिर कहेंगे कि आप टाटा बाय बाय बोल देंगे आपको, टाटा बाय बाय। तो इसलिए मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, जो भी इंटरव्यू दें वहाँ पर बड़े ध्यान से, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये मत सोचिएगा कि आप मजे में हैं, आप ट्रेनिंग बहुत ध्यान से लीजिएगा। और ट्रेनिंग पीरियड जो चलेंगे आपके, वो पेड होंगे। बहुत सारी कंपनियां जो अनपेड होती हैं, यानी कि 2-4 हज़ार रुपये दे देती हैं बस छुट्टी, नहीं, ये कंपनी आपकी जितनी सैलरी होगी पूरी सैलरी प्रोवाइड कराएगी ट्रेनिंग पीरियड में। और एक सबसे मेन बात बताना चाहूँगा कि आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा 50,000 रुपये का, कि अगर आप 1 साल से पहले आप अपना जॉब छोड़ते हैं, तो आपको कानूनन तौर पर कंपनी आप पे केस कर सकती है और आपसे 50,000 रुपये ले सकती है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब ज्वाइन करिएगा तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा कि आपको 1 साल से पहले जॉब नहीं छोड़नी है, ठीक है? तो गाइज, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, जो मैं बता रहा हूँ।
तो और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ऐसे सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को, और मैं आपके लिए ऐसी जॉब्स वगैरह लाता रहूँगा, और व्लॉग्स भी मैं बनाता रहता हूँ इसी चैनल पे। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो इसमें मैंने बहुत सारे अपने व्लॉग भी डाले हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में। मैं इसमें डालता रहता हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही करता रहूँगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। एंड टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय गाइज।